हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? हाँ जी दोस्तों, आज आप गल कर रहे हैं, ये महिंद्रा की गेटवे है, हम इसका काम कर रहे हैं। ये इस गाड़ी में प्रॉब्लम थी, ये इंजन ऑयल खा रही थी, तो आप इसका हम कर रहे हैं इंजन ओवरहाल। ये इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा खा रही थी गाड़ी, और बैक कंप्रेशर था इसमें, तो पिस्टन रिंग स्लीव लाइनर इसकी वगैरह हमने डाल दी है, फिट कर दिया। अब इसका कर रहे हैं हेड रह गया रखने वाला, बाकी तो इसका जो पिस्टन स्लीव रिंग सब डाल दिए है, नीचे चैम्बर भी लगा दिया, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये है गेटवे स्कॉर्पियो 2.6 लीटर इंजन, तो आप दिखाते हैं आपको जो इसके डाले हैं पिस्टन स्लीव रिंग। ये देखो फ्रेंड्स, सारा इसका ब्लॉक डीजल मार के क्लीन कर लिया था, वॉश कर लिया, फिर प्रेशर से धो लिया था इसको पानी से, प्रेशर से, और वो इसका बिल्कुल ओके है। जो इसके पिस्टन है दोस्तों, वो गुड्स कंपनी के डाले हैं, जो लाइनर है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के डाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पिस्टन इसके गुड्स के मिले हैं, महिंद्रा के मिले नहीं, बाकी जो ऑल बाकी पार्ट है सारा वो महिंद्रा का डाल रहे हैं, ओनली इसके पिस्टन गुड्स कंपनी के है, बहुत अच्छी कंपनी है गुड्स भी, आपको पता ही है मैकेनिक भाई को। तो सेम पिस्टन जो पहले इस तरह के निकले, इस तरह के डाले हमने, तो सारा ब्लॉक डीजल मार के फिर बाद में पानी से धो लिया था प्रेशर पर, जहाँ गाड़ियाँ वॉश कराते हैं वहाँ ले जाकर इसको, एंड बिल्कुल सारा ब्लॉक धो लिया। तो बाकी इसका नीचे से चैम्बर भी लगा दिया है, बस ओनली इसका हेड रह गया रखने वाला। जो इसके हीट वाले पाइप है, पानी वाले पाइप है, कूलेंट वाले पाइप है, वो सभी नए डाल रहे हैं। नीचे से इसका चैम्बर लगा दिया है, इसके जो क्रैंक के मेन बिगन थे वो भी नए डाले हैं, कनेक्टिंग रॉड बिगन, मेन बिगन, सॉरी कनेक्टिंग रॉड के डाले हैं ओनली। बाकी इसका दिखाते हैं आपको जो पार्ट मंगवाए हैं, बाकी इसका ये रहा ओल्ड वाला पिस्टन, बाकी तीन पिस्टन भी यहीं पड़े हैं। तो ये रही इसकी लाइनर स्लीव पुरानी वाली, ये भी थोड़ी थोड़ी अंदर से खराब हुई पड़ी थी, इसका जो अंदर से फिनिशिंग होती है, साइज होता है, ये भी ओरिजिनल महिंद्रा एंड महिंद्रा के डाली है स्लीव। इसका भी दिखाते हैं आपको बॉक्स, जीरा सिलेंडर लाइनर TCI महिंद्रा एंड महिंद्रा, बाकी इसका दिखाते हैं प्राइस भी। इसका प्राइस दिखाते हैं आपको, सिलेंडर लाइनर TCI, इसका दोस्तों MRP है 6164 रुपये, 6164, ठीक है। ओरिजिनल महिंद्रा महिंद्रा की है लाइनर। बाकी इसके दिखाते हैं बाकी पार्ट इसके ओरिजिनल, ये रहा दोस्तों इसका एयर फिल्टर, बाकी इसके जो रेडिएटर के पाइप, छोटे पाइप, कूलेंट पाइप, वाटर पंप पाइप, ये इसका क्रैंक सेंसर 1737 रुपये क्रैंक सेंसर, ये इसका रेडिएटर का पाइप, ये छोटा हीट वाला पाइप या ब्लो पाइप है, बाकी इसके सारे पार्ट क्लीन कर ले थी कर लेते, बाकी सारा इसका काम हो गया। ऊपर इसका रखने लगे हैं हेड रेडी हो रहा है इसका, हेड के जो वाल है वो भी नहीं लगाया है, हेड का फेस भी इसका करवाया है। हेड के वाल भी ओरिजिनल डाले हैं, ग्राइंड करवाए हैं, और इसका हेड का फेस लगवाया है। यह है महिंद्रा गेटवे स्कॉर्पियो वाला इंजन है इसमें दोस्तों, 2.6 लीटर एक्सेलो वाला, बाकी इसका रखकर हेड दिखा दें आपको। हाँ जी फ्रेंड्स, हेड का हेड इसका टाइट कर दिया था, हेड को रख दिया था, तो अब इसके कर रहे हैं टैबेट की सेटिंग। टैबेट दोस्तों टाइट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी प्ले होनी चाहिए बस, बाकी आप 10-15 की गेज से कर सकते हैं, 15 नंबर की 15 mm की गेज से कर सकते हैं, 4 वाल की 8 वाल की, बाकी करके इसकी टैबेट फिर
लगाते हैं इसके इंजेक्टर वगैरह, कॉमन रेल वगैरह, डीजल लाइन की पाइप, फिर मारते हैं इसकी सेल्फ। आप वीडियो देखते रहें, दिखाते हैं इसकी सेल्फ मार कर करके स्टार्ट इंजन को। बस ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो देखते रहें, मारते हैं सेल्फ इसकी। हाँ जी, टैबलेट टाइप की हो गई थी सेटिंग। अब इसका पा रहे हैं इंजन ऑयल। ये इंजन ऑयल पा रहे हैं इसका महिंद्रा का ओरिजिनल मैक्स माइल कंपनी का, और ये दोस्तों तेल आता है शेल कंपनी में। इसमें पा रहे हैं 6 लीटर तेल मैक्स माइल प्रीमियम इको, ये शेल कंपनी का होता है दोस्तों तेल। तो अब इसके निकालते हैं इंजेक्टरों की एयर, चारों इंजेक्टरों की एयर निकालेंगे। पहले आपको दिखाते हैं इसकी चेक लाइट, जो मीटर में पहले सबसे देखनी चाहिए आती है या नहीं आती है। चेक लाइट आ रही है दोस्तों। अब लगाते हैं इसका इंजन की सेल्फ, सेल्फ मारते हैं और इंजेक्टरों की एयर कटाते हैं, फिर मारते हैं सेल्फ और करते हैं स्टार्ट गाड़ी को। हाँ जी फ्रेंड्स, एक नंबर च तेल आ गया वा। चल ये चंगी तरह दोस्तों कढ़वा लेनी है इंजेक्टर की। इंजेक्टर दोस्तों इंजेक्टर की कोई सर्विस नहीं कराई, इंजेक्टर पहले ही आ, इंजेक्टर बिल्कुल ओके सी। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਟਰ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਇੰਜੈਕਟਰ ਦੀ ਏਅਰ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚੱਲ ਦੋਸਤੋ, 3 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਣਾਉਣੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਚਲੋ ਜੀ। लो फ्रेंड, 2 नंबर च भी आ गया। हम करके टायर तो मार दें सेल्फ, टैबलेट कवर लवेंगे बाद रोकों में तेज चेक करना वा। लो फ्रेंड, इंजेक्टर की एयर निकल गई है, हम मार दें सेल्फ करके कर दें सब कुछ आला दुआला चेक, कोई लीकिंग वगैरह तो नहीं, मार दें सेल्फ। लो फ्रेंड, गड्डी स्टार्ट हो गई है। आवाज़ चेक करो दोस्तों कितना लगी तुहानू, बाकी हले सब कुछ ये लगन वाला रहिंदा वा, सारे पाइप वगैरह। ये रोकना में दोस्तों तेल चेक करना भाई, चढ़ गया वा तेल या नहीं, ये बहुत जरूरी है। तेल आ गया वा थोड़ा थोड़ा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, इंजन टेक के चल रहा वा, बाकी ये लाने टर्बो वाले पाइप वगैरह सब कुछ फिटिंग कर दें। बहुत ही जबरदस्त इंजन है दोस्तों, 2.6 लीटर बहुत ही पावरफुल इंजन है। तुम दोस्तों आवाज़ चेक करो, दस्यो कि लगी तुम आवाज़, तो बाकी मेरा काम कि लगा वा, प्लीज कमेंट करके जरूर दस्या करो। जो भी थोड़ा भी कोई सवाल जवाब तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, दस सकते हैं। जो वीडियो वधिया नहीं लगी तो प्लीज़ कमेंट करके दसो कि नहीं वधिया लगा। ठीक है फ्रेंड्स, गाड़ी हाफ सेल्फ स्टार्ट आ, प्लीज़ ये चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसक्राइब कर दो, थोड़ी बहुत ज़्यादा मैंने लोड आ सपोर्ट की। जो तुम मेरे वीडियो में वधिया लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो एक मैं थोड़ा जहा हौसला मिलता, थोड़ा प्यार मिलता, होर वीडियो बनाने का मौका मिलता वा। प्लीज़ वो वीडियो लाइक करे करो और कमेंट करके दस्या करो वीडियो कि लगी, कि जो नहीं भी वधिया लगी प्लीज़ तभी कमेंट करके दसो, मैंने कोई माइंड नहीं। ओके फ्रेंड्स, गड्डी हाफ सेल्फ स्टार्ट आ, बाकी यदि कर दें सारी फिटिंग, तो फिर तुम दिखाने यदि सारी फिटिंग करके गड्डी रेडी फुल, इंजन सारी गड्डी वाश भी करावे।
फ्रेंड्स गड्डी एंड वाश कराती है, सारा इंजन यदा वाश कराता था, इंजन का कवर लग गया वा, गड्डी बिल्कुल क्लीन हो गई है, बहुत ज़्यादा गंदी हुई पई सी। मार चलो करी स्टार्ट, हम होने करी फिर स्टार्ट करके, तो बाकी ये वीडियो वधिया लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो लाइक करना। ठीक है फ्रेंड्स, गड्डी बिल्कुल ओके है, बोनट रहा देखिए।